ब्यूटी विद ब्रेन। तो आज आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किचन में हूँ और किस लिए हूँ किचन में हूँ। तो मैं कुछ ना कुछ बनाने जा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो मैंने ऑल ओवर इंटरनेट बहुत ज़्यादा सुना है और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है इस टाइम पे डलगोना कॉफ़ी। पहले मैंने भी सोचा कि है क्या ये कॉफ़ी, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये इम्यूनिटी को मतलब बढ़ाने के लिए यूज़ होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इंटरनेट पर सर्च भी किया कि है क्या। मेनली ये इसलिए वायरल है क्योंकि इसकी पिक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है और ये देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, यमी लगता है, और प्लस आपको खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा ये। गाइस डलगोना कॉफी इसलिए इतना ज्यादा फेमस है क्योंकि ये कैफे स्टाइल में बनने वाला और कैफे स्टाइल में दिखने वाला सबसे ज्यादा इजी वे का कॉफी है और ये दक्षिण कोरिया से इंस्पायर्ड है। ये दक्षिण कोरिया में एक पहले डलगोना कैंडी मतलब फेमस था, उसी से इंस्पायर्ड ये कॉफ़ी है। जैसे तो मेनली दक्षिण कोरिया से आया है ये डलगोना कॉफ़ी का मतलब इंस्पिरेशन। तो हम आज इस बारे में डिस्कस करेंगे कि हम डलगोना कॉफ़ी कैसे बनाएंगे। मैंने भी इंटरनेट से ही देखा है और वैसे मैंने हैंड बिटन कॉफ़ी बनाई है, ये एक तरह से हैंड बिटन कॉफ़ी ही है, कुछ लोग इसे मशीन की उससे फेंटते हैं। तो कॉफ़ी बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बॉल लेना पड़ेगा, उसमें आपको मेजरमेंट के हिसाब से 2 चम्मच कॉफी लो। मैंने पूरे इंटरनेट में देखा है सब 2 चम्मच कॉफी ले रहे थे, मैं इस टाइम पे मैं 2.5 चम्मच ले रही हूँ कॉफी। और उसके बाद आपको लेना है चीनी 2, यहाँ पे मैं 3 चम्मच चीनी ले रही हूँ। उसके बाद आपको लेना है वाटर 1, मतलब जितना कॉफी है जितना चीनी उतना ही पानी आपको लेना है। उसके बाद आपको ये फेंटना है बहुत देर तक, मुझे तो ये स्टार्टिंग है, अभी टाइम लगेगा आपको इसमें। आपको इसको ठीक कंसिस्टेंसी होने तक फेंकना है बहुत देर तक, जब तक कि ये पूरा फेंकना ढेर सारा झाग ना आ जाए तब तक। ये धीरे धीरे ठीक हो रहा है, जैसे जैसे हम इसको ज़्यादा ज़्यादा फेंटते जा रहे हैं वैसे वैसे ये ठीक होता जा रहा है। अब इसमें ढेर सारी झाग आ जाएंगे गाइस, अब देख सकते हो कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा हो गई है, एकदम गाढ़ा हो गया है ये। अब हम इसको अपने जो दूध हमने अलग से ले के रखा है, दूध आप हल्का सा मतलब ज़्यादा ना आपको गर्म रखना है ना ठंडा रखना है, मीडियम रखना है। आप उबाल के रख सकते हो पहले से और उसको ग्लास में निकाल के रखो। उसके बाद आपको इसमें ऊपर से ऐड करना होता है ये कॉफ़ी। तो चलते हैं ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने ले रखा है पहले से 1/2 ग्लास दूध, अब हम इसमें ऐड करेंगे। मिल्क को आपको ऊपर ही रखना है, मतलब मिल्क नीचे रहेगा और ये कॉफी आपकी ऊपर रहेगी, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी दिखती है दिखने में। वाओ, फाइनली आई डिड इट। देख सकते हो इधर से, यहाँ पे आपको दूध दिखेगा और यहाँ पे आपको कॉफी, ये बहुत ही ज्यादा देखने में तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है। अब इसको हम आप थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। अब इसको डेकोरेट करने के लिए हम ऊपर से हल्की सी कॉफी इसमें रख देंगे
तो गाइस हमारी डलगोना कॉफी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे आपको मिल्क दिखेगा और ऊपर आपको कॉफी, और ये देखने में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लग रही है। गाइस मैंने रेसिपी तो आपके साथ शेयर कर दी इसकी, अब मैं इसको पीना कैसे है, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही पियोगे तो ये बहुत ही ज्यादा थिक कंसिस्टेंसी है इसकी ऊपर से, तो आई थिंक इसको मिला के पीना होगा। यम्मी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है कॉफी, तो आप भी अपने घर पे ट्राई करो और स्टे होम स्टे सेफ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कमेंट करना ना भूले कि आपको कॉफी कैसी लगी, और अब जब अगर आप ट्राई करते हो अपने घर पे तो कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या मेरी रेसिपी आपको काम आई, अगर हाँ तो प्लीज 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 कमेंट करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। बाय बाय।